steps to summit. So guys, please subscribe our channel and press the bell icon to get all latest updates. हमारा सफर इस्लामाबाद से शुरू होगा और कराकोरम हाईवे से होते हुए हम पहुंचेंगे अलाई वैली में। अलाई हम पहुंच चुके हैं, यहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट और यहाँ से हम अपना जो लगेज है इस व्हीकल से उतारेंगे और इन व्हीकल्स में जो डबल कैबिन्स हैं इनमें अपलोड करेंगे। सामान की सेटिंग चल रही है और थोड़ी देर में हमारा यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाएगा। जीप ट्रैक हमारा करीब 2.5 घंटे का होगा। अलाई से हम पहुंचेंगे गंतर और गंतर से आगे हम एंड तक जाएंगे जहां तक मैक्सिमम जीप जा सकती हैं। तो ये हमारा ट्रैक करीब होगा 2 से 3 घंटे का, डिपेंड करता है रोड की सिचुएशन कैसी है। तो लेट्स एंजॉय द ट्रैक। गंतर हम पहुंचने वाले हैं, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से हम कुछ अपनी शॉपिंग करेंगे फाइनल और उसके बाद आगे ट्रेन। गंतर पहुंच चुके हैं जी हम और हम लोगों को देख के काफ़ी सारे मुकामी लोग यहाँ गैदर हो चुके हुए हैं कि भाई कौन आ गया हमारे इलाके में, कहाँ से आ गई आसमानी मखलूक। यहाँ से हम अपनी कुछ शॉपिंग परचेजिंग करेंगे एक्सपेडिशन के लिए, प्रिपरेशन को फाइनल करेंगे। नहीं जी, बारिश शुरू हो चुकी है और हमारा आगे का ट्रैवल थोड़ा डिस्टर्ब है, तो अभी हम थोड़ी देर गंतर में स्टे करेंगे और फिर आकर ट्रैवल करेंगे। ले भाई जी भी यहाँ आके रुक गए। यहाँ पे तमाम सामान ऑफलोड किया जाएगा क्योंकि यहाँ से आगे जीप्स नहीं जा सकती और यहाँ से होगा हमारा ट्रैक स्टार्ट। जी ट्रैक हमारा शुरू हो चुका है और यहाँ से ये जो ट्रैक है काफ़ी खूबसूरत है और ये करीब हमारा 5 घंटे का ट्रैक होगा और हम पहुँचेंगे अपनी फर्स्ट कैंप साइट पे, दैट इज़ कॉल्ड मस्जिद कैंप और कैंप वन भी उसको बोलते हैं या मस्जिद कैंप भी बोलते हैं।
डेवन ट्रैक का ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे खूबसूरत सी एक आबशार है जहाँ रिफ्रेश हो सकते हैं और एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक आधे घंटे का ले सकते हैं ताकि अपनी एनर्जी को बहाल कर सकें। डेवन का हमारा ट्रैक ख़त्म होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं मस्जिद कैंप साइट पे। यहाँ पे हम आज की रात कैंप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बेस कैंप तक पहुंचेंगे, डे टू का ट्रैक करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड मस्जिद कैंप टू बेस कैंप। ये कैंप वन से बेस कैंप ट्रैक का मंजर है। आज का ट्रैक करीब 8 घंटे का होगा। आज का हमारा ट्रैक करीब 90% ग्लेशियर पर होगा और क्रैम्पॉन्स के बगैर इस ट्रैक को करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मई या जून में आएंगे तो डे टू का ट्रैक मस्जिद कैंप से बेस कैंप का आपको ग्लेशियर पर ही करना होगा, लेकिन जून के लास्ट वीक में और जुलाई में ये बर्फ़ पिघल चुकी होती है और यहाँ ग्लेशियर बहुत कम होता है और आपको रॉकी पोर्शंस मिल जाते हैं ट्रैक करने के लिए।
इस जगह से हमारा ट्रैक लेफ्ट साइड पर टर्न होगा। माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग इतना आसान काम नहीं है। आपको अपने आसाब पे काबू रखना है और हमेशा अपने जीतने का यकीन रखना है। पेरो लेक बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आपको एक पास क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी स्टीप है और खासी टेक्निकल भी है, तो यहाँ हर एक कदम बड़े एहतियात से रखना पड़ेगा। की आवाज आ रही है आगे से। लेट्स गो पानी की जगह। आवाज आ रही है पानी की। दैट द ट्रेल। हां दैट वन। ये जा रही है सीधा ट्रेल। हम पास की टॉप पर पहुंचने ही वाले हैं। हमारी अगली टीम जिसको आसफ भट्टी साहब लीड कर रहे हैं वो पहले ही पास पर पहुंच चुकी है और हम लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है। मेरे साथ साथ थे, अब वो बैठ गए हैं और काफ़ी घंटे से बैठे हुए हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। उन सबको देर नहीं हो जाएगी अंधेरे में? 3 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। नहीं, पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ये पास से नीचे का मंजर है। हम बर्फ का ग्लेशियर क्रॉस करके पास पर पहुंच चुके हैं। ये मुजाहिद पास है। ये अलाई वैली को खपेरो लेक और स्काईसर बेस कैंप से कनेक्ट करता है। मुजाहिद पास की टॉप से सुकाईसर और बेस कैंप का मंजर। फ्रोजन खपेरो लेक, सूरत मंजर। समर सीजन में लेक कुछ इस तरह से नजर आती है।
चुका है सर का समय मेरे कैंप से। समर डे मॉर्निंग, कैंप में सब लोग अपने इक्विपमेंट्स को रेडी कर रहे हैं। बैकड्रॉप में आपको स्काई सेट नजर आ रही है। 4120 मीटर पे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, बस मेरे भूख जा रहे हैं। ओह खैर है, बैक के 10 होते हैं। फिर बोर्डिंग करनी नहीं है जी, तो पहले फायदा की है, फिर बोर्डिंग नहीं करनी। पहले जी पोर्टेड मोड नहीं, आगे आएगा, आगे करेंगे ना आप लोग। आई भाई हाथ ला दे, बैड वेदर और स्नो स्टॉर्म ने हमें आ घेरा है, और अभी हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे, वेदर के बेहतर होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम अपना समर अटेंड पुश करेंगे। हाँ जी ओवर। मैं पूछ रहा हूँ कि बजाब नहीं है, पीछे भेजे क्योंकि मैं पीछे केला ऊपर आ रहा हूँ। ओवर। आगे इजी है, कोई इशू नहीं है, नॉट एट ऑल, ओवर। आपकी कुछ समझ नहीं, आवाज के बारे बोले, ओवर। बहुत इजी है समिट तक, नो इशू एट ऑल, ओवर। बैड वेदर भी था, और लेकिन उसके बावजूद भी
काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद माशाल्लाह सक्सेसफुल रही हमारी सिमिलर अटैम्प्ट, और अब तक ये अनकैन पीक कंसिडर की जा रही थी, लोकल्स के अलावा किसी ने भी इसको अभी नहीं किया था। अप्रैल में भी टीम आई थी, इतना अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया और सक्सेसफुल अटैम्प्ट किया। और सुबह 8 बजे हमने यहाँ से अपने बेस कैंप से स्टार्ट किया था, और जो हमारे समिट की 5 बजे के करीब हमने समिट अटैम्प्ट किया, और 5 बजे के बाद तो आधा घंटा 40 मिनट वहाँ स्टे करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस रिटर्न हुए। और कुछ लोग तो हमारे जल्दी आ गए थे, 11 बजे आ गए थे, लेकिन जो रॉक्स और स्टीप डिसेंडिंग कुछ लोगों को इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफली आराम से और वेल टाइम 3 बजे हमारा आखिरी जो टीम मेंबर वो भी बेस कैंप पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत और मेहनत अच्छी चैनल सब्सक्राइब करें, और माध्यम और वन टू एंड दिस इज अ पास कनेक्ट टू कैप्टन लेक, और उसके साथ अलाई वैली को बेसिकली घंटा साइड से ही कनेक्ट करता है, और अन नेम था इसका नाम हमने मुजाहिद पास रखा। यार एक मिनट आना, यू रखना कैम भी है उस पर। अरे अरे अरे